दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों भारतीय टीम लीसेस्टर शायर के खिलाफ 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है। ग्रेस रोड स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही और पहले ही दिन 8 विकेट गंवा दिए। श्रीकर भरत को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। दोस्तों भरत ने टीम इंडिया की तरफ से एकमात्र अर्धशतक लगाया और वह फिलहाल 70 रन बनाकर नाबाद है। भरत के बाद सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, वह 69 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। जब विराट मैदान पर उतरे तो फैंस ने उनके लिए जमकर चीयर किया। अपनी छोटी सी पारी में विराट ने एक कवर ड्राइव शॉट भी लगाया जिससे फैंस काफी खुश हुए। दोस्तों पारी के दौरान विराट की एक और हरकत फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल उन्होंने मैच के बीच में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट की नकल करने की कोशिश की। रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की चौथी पारी में नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहते हुए कुछ सेकंड के लिए बल्ले को बिना हाथ पकड़े क्रीज पर खड़ा कर दिया था। दोस्तों यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। इसके बाद फैंस रूट को जादूगर कहने लगे थे। विराट ने भी गुरुवार को इसी की नकल करने की कोशिश की। उन्होंने भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहते हुए बल्ले को खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा 2 बार किया पर दोनों ही बार वह असफल रहे। इसके बाद उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।